दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने मछली के तालाब पे। सुबह सुबह उठ के ये मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने निकला हूँ। तो ये मेरा मछली का तालाब है जिसका मैं आपको व्यू कराऊंगा बेहतरीन, और मछली भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तकरीबन 4 महीने हुए हैं मछली का बीज डाला था, तो इतना था हाथ के जितना था, तकरीबन आधा पाव पाव के करीब जो है ना बीज हमने ख़रीदा था, सीड जिसे कहते हैं मछली का। तो मुख्तलिफ़ अकसाम की मछलियाँ डाली हैं हमने। जो लोग मछलियों का कारोबार करते हैं माशाल्लाह उनको पता है बेहतरीन अर्निंग होती है मछली से, मछली के कारोबार से। तो चलते हैं, आएँ आपके साथ, तो दिखाते हैं आप लोगों को मछली के तालाब का व्यू। और मैं अपना कज़न को भी बोलूँगा कि मछली के तालाब में जाए, थोड़ी सी खुराक फेंकनी होती है, वो खुराक का टाइम भी हो गया उनका, तो खुराक डालेगा जैसे तो पानी में जाएगा। मैं आप लोगों को उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, और बेहतरीन जो है ना सब कुछ आपको आज मैं तफसीलन बताऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह मछली पाली जाती है और खुराक दी जाती है और मछली खुराक किस तरह खाती है। आज मछली की खुराक भी आपको दिखाऊँगा लाइव, जैसे आप देखेंगे हम खुराक देंगे मछली को और मछली खाएगी किस तरह खाती है, आप लोगों को भी नज़र आएगा इंशाल्लाह, आप लोगों को दिखाएंगे। ये है हमारा घर, इसे हम घर ही कह सकते हैं क्योंकि हमारी बैठक है, यहाँ हमारा रहना सहना होता है। ऐसी बात है, घर बना के बैठना पड़ता है, रात को जागना भी पड़ता है, तकलीफ़ें तो होती हैं भाई मेरे मछली के अगर कारोबार जो करते हैं। ये हमारा छोटा सा घर है, साइड में कमरा बना हुआ है, ये कोठी टाइप की। ये जैसे हम पानी पीते हैं इस्तेमाल करने के लिए हैंडपम्प, ये जो ज़मीनें हैं तो ये बरसातों का पानी जो है ना, बरसातें काफ़ी ज़्यादा हुई थी। अच्छा मैं लोकेशन आपको बता दूं कि ये हैदराबाद के एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे है तालाब, हैदराबाद के अंदर ही है। ये समझे शहर से तकरीबन जो है ना 20 मिनट 25 मिनट शहर पहुँचने में लगते हैं, हैदराबाद के शहर में टंडो मोहम्मद खान रोड पर ये छोटा सा गाँव है एक। ये हमारा दूसरा साल है, एक साल गुजर गया है हमारा, तो उसमें भी माशाल्लाह बेहतरीन मछलियाँ, 5-5 किलो 4 किलो 7 किलो का दाना भी था। तो माशाल्लाह जो है ना मेहनत हुई हुई है। खुराक आप देखेंगे जैसे अभी आपको दिखाएंगे, खुराक का टाइम होगा तो आपको खुराक भी दिखाएंगे कैसे खुराक दी जाती है। और मछली की खुराक जो है ना यहाँ पे दी जाती है बड़े तालाब में, ये हमारा बड़ा तालाब है, तो यहाँ पे इसी जगह पे ये जगह है, यहाँ से लेके ये यहाँ पे, तो मछली यहाँ पे जो है ना जैसे टाइम होगा मछली का, मछली खुद यहाँ आएगी, आप लोगों को नज़र आएगी। वो आप देख रहे हैं पानी में अंदर, ये दूर गया भाई, ये इसी तरफ जो है ना छोटा पानी, बड़ा पानी जो है ना यहाँ, ये जो निशान है बंद लगा हुआ है, इसी के साथ साथ पीछे हम आते जाएंगे, इस तरह आते जाएंगे तो ये आगे जाके ये इसमें बहुत बड़ा पानी है।
भी जैसे जैसे इधर पीछे आ रहा है तो यहाँ पानी बहुत बड़ा है, गहरा पानी है। अभी इसके जो है ना पाँव ज़मीन पे लगा के उठा रहा है, पानी बहुत गहरा है यहाँ पे इस साइड पे। दवाई जो है ना फेंकनी होती है लाजमी, कोई बीमारी वगैरह मछली को ना लगे। ये लगानी पड़ती है महीने बाद, डेढ़ महीने बाद। ये देखें कितने दरख्त माशाल्लाह खूबसूरत, खूबसूरत भी है। जब भी मुझे सुकून करना होता है तो मैं यहाँ तालाब पे चला आता हूँ, तो यहाँ पे सुकून ही होता है, बिल्कुल सुकून माहौल। मौसम इतना प्यारा, आज तो हवा नहीं है, खैर हैदराबाद हवाओं का शहर है माशाल्लाह, इतनी हवा चलती है यहाँ पे। ओहो क्या बात है मौसम की, मौसम भी बेहतरीन है, गर्मी तो नहीं है अभी फ़िलहाल, बेहतरीन मौसम चल रहा है। कटु है और ये लड़के तैयार हैं खुराक, अभी बाचकों में गेंडी वगैरह में बना के मछली को दी जाएगी, मछली खाएगी खुराक। तो किस तरह खाती है मछली आप लोगों को दिखाएंगे आज लाइव। Thank you.
ये मछली को खुराक दी गई और मछली किस तरह खुराक खा रही है और कैसे खा रही थी आप लोगों ने सबने देखा। तो मछली खुराक इस तरह खाती है और खुराक का बाकायदा से टाइम रखा होता है। बस 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 है।